हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर को। प्रीवियस वीडियो में हम स्टडी कर चुके हैं एसेंशियल बल्क एलिमेंट्स को। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स को। ओके तो देखिए बच्चों, हमारे पास 19 एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जिसमें 3 जो हमारे प्रोमिनेंट हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मेटल्स हैं। कौन से हैं वो? आयरन है, कॉपर है और जिंक है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे 19 एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स है, जिसमें प्रोमिनेंट जो हमारे बायोलॉजिकली एक्टिव मेटल्स हैं दैट इज आयरन, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे रिमेनिंग एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? अल्ट्रा ट्रेस। ठीक है, अल्ट्रा ट्रेस उनको हम क्यों कंसिडर करते हैं? बिकॉज दे इन्वॉल्व लेस देन 10 ग्राम। बिकॉज ये लेस देन 10 ग्राम होते हैं एडल्ट ह्यूमन में, एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड बोरोन। इसको ध्यान रखेंगे, एक्सेप्ट फ्लोरीन एंड बोरोन। ये क्या होते हैं? हमारे लेस देन 10 ग्राम होते हैं एडल्ट ह्यूमन के अंदर, 10 मिलीग्राम। ठीक है, उसके बाद जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट की, वो कहाँ से रिलेट करती है, किससे रिलेट करती है? इनकी जो पार्टिसिपेशन होती है एक्शन में वेरियस एंजाइम्स के, बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनके एक्शन में क्या होते हैं, ये पार्टिसिपेशन होती है इनकी भी। ठीक है, इसलिए ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जो ट्रेस एलिमेंट्स हैं उनका इंपॉर्टेंट रोल है मेटेलो एंजाइम्स में, तो इसको भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? मेटेलो एंजाइम्स में। उसके बाद ट्रेस एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे लिए इसेंशियल हैं। क्यों है इसेंशियल? बिकॉज दे सर्व एज रिक्वायर्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स इन एक्टिव साइट्स। ठीक है, ये किस तरह सर्व करते हैं? हमें जो रिक्वायर होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिव साइट्स में उसकी तरह, और को एंजाइम्स की तरह। ठीक है, एज को एंजाइम्स फॉर इनडिस्पेंसेबल मेटेलो एंजाइम्स। इनडिस्पेंसेबल क्या होता है? जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, फॉर रिक्वायर्ड मेटेलो एंजाइम्स और मेटालाइन एक्टिवेटेड एंजाइम्स। ठीक है, तो जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो इसेंशियल होते हैं। क्यों होते हैं इसेंशियल? बिकॉज ये सर्व करते हैं जो हमें रिक्वायर होते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एक्टिव साइट्स में, वो और साथ में एज को एंजाइम्स, किस चीज़ के लिए? जो रिक्वायर्ड मेटेलो एंजाइम्स हैं उनके लिए और मेटल आयन एक्टिवेटेड एंजाइम्स के लिए। ओके सो फर्स्ट हम करते हैं आयरन को। इसमें देखिए जो हमारा ट्रेस एलिमेंट्स हैं, जो हमारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं उसमें से जो आयरन है ये क्या है, हमें सबसे ज़्यादा अबंडेंस में, ग्रेटेस्ट अबंडेंस में देखने को मिलता है बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। और किस फॉर्म में होता है ये? इन द फॉर्म ऑफ पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस और हेम्स। ठीक है, किस फॉर्म में मिलेगा? पोरफायरिन कॉम्प्लेक्सेस या फिर हेम्स की फॉर्म में, सच एज हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। इसके बाद जो टोटल आयरन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चों, अबाउट 4.3 ग्राम पर 70 केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है, 4.3 ग्राम होगा पर 70 किलो जो हमारा बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग। और अबाउट 70% जो प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन और 3% होता है मायोग्लोबिन में। ठीक है, जो हमारा टोटल आयरन है ह्यूमन बॉडी में उसका अबाउट 70% तो प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन में और अबाउट 3% प्रेजेंट होगा मायोग्लोबिन में। और जो मोस्ट ऑफ जो हमारा रिमेनिंग जो बच गया है आयरन वो स्टोर होता है एज फेरेटिन, तो उसको याद रखेंगे वो स्टोर होगा फेरेटिन के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद फेरेटिन क्या है? ये हमारा मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन है मैमल्स के अंदर। तो फेरेटिन क्या है? मेजर आयरन स्टोरेज प्रोटीन मैमल्स के अंदर। बट ये हमें कहाँ भी देखने को मिलता है? प्लांट क्लोरोप्लास्ट में और फंजाई के अंदर भी, प्लांट क्लोरोप्लास्ट में और फंजाई इनके अंदर भी हमें देखने को मिलता है। वैसे होता कहाँ पे है? मेजर जो हमारा आयरन स्टोरेज प्रोटीन है मैमल्स के अंदर है ये फेरेटिन। और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है मेनली कहाँ पे? स्प्लेन में, लीवर में एंड बोन मैरो में। ठीक है, कहाँ पे होता है डिस्ट्रीब्यूटेड? मेनली स्प्लेन, लीवर एंड बोन मैरो। इसके बाद है ये कंसिस्ट किससे होता है? शेल ऑफ प्रोटीन से, दैट इज एपोफेरेटिन, जो सब यूनिट से हमारी सराउंड करती है मिसल को, दैट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड फॉस्फेट। ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या होती है? FeOOH8.FeOPO3H2। ठीक है, ये क्या है हमारी कंपोजिशन होती है। उसके बाद आयरन कंटेंट जो होता है फेरेटिन का वो वेरी करता है 0 से अबाउट 23%। इसके बाद जो हमारा एपोफेरेटिन प्रोटीन होता है बच्चों उसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? ठीक है, तो प्रिपेयर किस तरीके से करेंगे? हम फर्स्ट लेंगे फेरेटिन को। फेरेटिन का क्या होगा? रिडक्शन होगा यहाँ पे फेरिक आयंस टू फेरस आयंस। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या करना है बच्चों? एपोफेरेटिन जो प्रोटीन है उसको हम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम फेरेटिन। फेरेटिन से यहाँ पे हम रिडक्शन करेंगे फेरिक आयंस का टू फेरस आयंस। पीएच रहेगी हमारी 4.5। उसके बाद यहाँ पे होगा रिमूवल Fe2 पॉजिटिव आयंस का बाय डायलिसिस, तो यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगा एपोफेरेटिन प्रोटीन। ओके, उसके बाद ये जो हमारी अप्रोक्सीमेट फार्मूला वेट रहता है एपोफेरेटिन का वो होता है 46500। ठीक है, एंड जो एपोफेरेटिन डिसोसिएट होता है अबाउट 24 सब यूनिट्स के अंदर। याद रखेंगे इस चीज को भी। उसके बाद एपोफेरिटीन जो प्रोटीन है वो स्टोर कर सकता है आयरन को, और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करता है एप्रोप्रिएट साइट पे, ठीक है। पहले उसको स्टोर करेगा, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करेगा जहां पे भी उसकी जरूरत होगी, ठीक है, एप्रोप्रिएट साइट पे, टू एड इन दी बायोसिंथेसिस, जहां पे वो हेल्प करता है किसमें, बायोसिंथेसिस में अदर मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्विंग दिस पर्टिकुलर मेटल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा फेरेटीन है बच्चों, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है जो हमने प्रिपेयर किया है फेरेटीन, उसके बिल्कुल सिमिलर होती हैं जो हमारा नेचुरल फेरेटीन है उसके। सो विच हैव द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दी नेचुरल फेरेटीन, ठीक है, जो नेचुरल फेरेटीन है बिल्कुल उसके सिमिलर होती है जो प्रॉपर्टीज जो हमने लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया है फेरेटीन उसकी। उसके बाद इट इज बिन प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट, किस तरीके से हम उसको प्रिपेयर करेंगे, यहाँ पे हम ट्रीट करवाएंगे क्रिस्टलाइन एपोफेरेटीन को, किसके साथ में, विद एन इनऑर्गेनिक आयरन सॉल्ट, ठीक है, जो हमारा इनऑर्गेनिक आयरन सॉल्ट है Fe2 सॉल्ट है, उसके साथ में किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पाथवे Fe3 पॉजिटिव का फ्रॉम फूड स्टफ टू हीमोग्लोबिन एंड टू फेरेटीन। तो इसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस आती है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट है इसमें Fe3 पॉजिटिव जो है हमारे डाइटरी मटेरियल का, मतलब जो हमने डाइट के अंदर लिया है Fe3 पॉजिटिव, अब वो क्या होता है, रिड्यूस होता है। Fe3 पॉजिटिव रिड्यूस होता है किसमें, Fe2 पॉजिटिव में। कहाँ पे होता है ये सब, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, जो हमारे GI ट्रैक्ट होता है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद में सेल्स के अंदर जो हमारे इंटेस्टाइनल मिकोसा के हैं जो Fe2 पॉजिटिव है वो हमारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है किसमें, फेरेटीन में, एज Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में। उसके बाद है Fe2 पॉजिटिव जो हमारा मिकोसा में है वो अब कन्वर्ट होता है किसके अंदर, Fe3 पॉजिटिव प्लाज्मा के अंदर। ये क्या होता है, बाउंड होता है बच्चों, इसको आप ध्यान रखेंगे, बाउंड होता है बाय आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफेरिन, ठीक है, आयरन बाइंडिंग ग्लोबुलिन से बाउंड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफेरिन, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो प्लाज्मा Fe3 पॉजिटिव होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है आयरन के साथ में, ठीक है। तो जो ये प्लाज्मा Fe3 पॉजिटिव होता है ये इक्विलिब्रियम में होता है आयरन के साथ में, कहाँ पे, लोकेशन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ठीक है, इन तीनों के अंदर, लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में जो हमारा प्लाज्मा Fe3 पॉजिटिव वो इक्विलिब्रियम में रहता है आयरन के साथ में। सो इन सभी पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। सो नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों कॉपर को। तो देखिए कॉपर जो है वो इसेंशियल होता है सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए, इसेंशियल टू ऑल ऑर्गेनिज्म, और ये कंस्टिट्यूएंट होता है हमारे जो रिडॉक्स एंजाइम्स होती हैं उसका और हीमोसाइनिन का। रिडॉक्स एंजाइम्स कौन से, वो एंजाइम्स जो हमारे कैटेलाइज करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस को। सो रिडॉक्स एंजाइम्स एंड हीमोसाइनिन का क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट होता है। उसके बाद कॉपर जो होता है हीमोसाइनिन के अंदर, हीमोसाइनिन जो हमारा प्रोटीन है उसके अंदर वो ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क करता है, ठीक है। सो कॉपर इन हीमोसाइनिन प्रोटीन इज ऑक्सीजन कैरियर होता है, वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन को सर्टेन एक्वेटिक क्रिएचर्स एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्या करता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन को सर्टेन जो हमारे एक्वेटिक क्रिएचर्स होते हैं, एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं, इसमें वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट वो सभी आ जाएंगे, ठीक है, जो या तो पानी में मोस्ट ऑफ टाइम रहते हैं या पानी में ही ऑल लाइफ टाइम रहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉपर जो कंटेन करते हैं एंजाइम, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पिगमेंटेशन में स्किन की, ठीक है, पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, दूसरा फंक्शनिंग में ब्रेन की, और आयरन की मेटाबॉलिज्म में बच्चों, इन आयरन मेटाबॉलिज्म इन बॉडी, इन हीमोग्लोबिन फंक्शन, ठीक है। उसके बाद है जो कॉपर कंटेनिंग एंजाइम सिस्टम से इन्वॉल्व करते हैं कुछ स्टेप्स। उसके बाद है डेफिशिएंसी अगर हो जाए कॉपर की ह्यूमन सिस्टम में तो वहाँ पे क्या होता है, एनीमिया कैरेक्टराइज, ठीक है, वहाँ पे हमें एनीमिया देखने को मिलता है। ये क्या होता है, इसके अंदर जब हमारी बॉडी के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में क्या होती है, हमारे रेड ब्लड सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है, इनएडिक्वेट होती हैं, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं होती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, एनीमिया हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है कैरेक्टराइज नॉट ओनली बाय मार्क्ड डिक्रीज इन द टोटल आयरन, मतलब यहाँ पे जो हमारी डेफिशिएंसी होगी कॉपर की ह्यूमन सिस्टम में तो उसकी वजह से हमें एनीमिया देखने को मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा डिक्रीज नहीं होगा टोटल आयरन, सिर्फ यहाँ पे हीम कंटेंट जो है वो कम नहीं होगा ब्लड में और टिश्यूज में, बट यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि इंक्रीज होगी अमाउंट, किसकी अमाउंट, फ्री पोरफायरिन की, ठीक है, फ्री पोरफायरिन की एरिथ्रोसाइट्स में, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। सो डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर इन ह्यूमन सिस्टम डेवलप एनीमिया, एनीमिया होगा और वो करेक्टराइज होगा सिर्फ किससे, नहीं सिर्फ वहाँ पे डिक्रीज नहीं आएगा टोटल आयरन में, हीम कंटेंट में, ब्लड के अंदर और टिश्यूज में, बट वहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलेगी, वहाँ पे इंक्रीज होगी अमाउंट फ्री पोरफायरिन की इन दी एरिथ्रोसाइट्स इन दी रेड ब्लड सेल्स, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे अगर एक्सेस हो जाए कॉपर की तो एक्सेस जो है कॉपर की ह्यूमन बॉडी में वो भी हार्मफुल होती है और यहाँ पे एक डिजीज आती है जिसको हम बोलते हैं विल्सन डिजीज, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर कॉपर क्या हो जाए, एक्सेस में हो जाए, तो वहाँ पे हमें एक बीमारी देखने को मिलती है डिजीज जिसका नाम है विल्सन डिजीज, जो क्या करती है अपसेट्स दी कॉपर मेटाबॉलिज्म, जिससे क्या हो जाता है कॉपर का जो मेटाबॉलिज्म है ह्यूमन सिस्टम में वो डिस्टर्ब हो जाता है। किस तरीके से यहाँ पे जो है एब्जॉर्ब हो जाता है एक्सेसिव कॉपर, ठीक है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है एक्सेसिव कॉपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, एंड वो डिपॉजिट कहाँ पे होता है, एक्सेस वो डिपॉजिट होता है लीवर में, किडनी में और ब्रेन में, ठीक है बच्चों। तो एक्सेस की वजह से कॉपर की अगर एक्सेस हो जाए ह्यूमन बॉडी में वो भी हार्मफुल है, इसकी वजह से डिजीज होती है जिसका नाम है विल्सन डिजीज। यहाँ पे क्या हो जाता है कॉपर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है ह्यूमन सिस्टम का। किस तरीके से होता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब होने लगता है ज़्यादा एक्सेसिव कॉपर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से और वो डिपॉजिट होता है फिर एक्सेस जो हमारा कॉपर है किसमें, लीवर, किडनी और ब्रेन में, ओके। नेक्स्ट जो पेशेंट सफ़र करते हैं इस डिजीज़ से, जो विल्सन डिजीज़ है उससे, वहाँ पे हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीट किया जाता है वहाँ पे कंट्रोल डोजेस के साथ में, किसकी, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है, EDTA की। यहाँ पे कंट्रोल डोजेस का हम यूज़ करते हैं ट्रीट करने के लिए इस डिजीज़ को। सो विच फॉर्म्स अ वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स विद कॉपर आयन, ठीक है, ये जो हमारा EDTA है ये फॉर्म करता है वाटर सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कॉपर आयन के साथ में, और जो एक्सक्रीट कर दिया जाता है हमारा थ्रू यूरिन, ओके। उसके बाद है मैनी अदर एसेंशियल मेटल्स इन्वॉल्व इन अदर एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉर्म EDTA कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बहुत सारी जो हमारी एसेंशियल मेटल्स जो इन्वॉल्व होती हैं दूसरे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में वो भी फॉर्म कर लेती हैं EDTA कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, एंड आर ऑल्सो एक्सक्रीटेड, और वो भी क्या हो जाता है इसके साथ में, वो भी एक्सक्रीट कर दी जाती हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं वो EDTA के साथ में। तो इसलिए जो EDTA ट्रीटमेंट है वो क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है हमारी बहुत सारी एंजाइमेटिक रिएक्शंस को, इसलिए वहाँ पे हमें एक बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होती है जब हम मॉनिटर कर रहे हैं विल्सन डिजीज को, और वहाँ पे हमें बहुत ही कंट्रोल डोजेज में EDTA को देना होता है, ठीक है, अदरवाइज उससे क्या होगा जो हमारी दूसरे एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं वो भी क्या हो जाती है हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, और जो हमारे दूसरे एसेंशियल मेटल्स हैं वो भी क्या बना लेती हैं, हमारे कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, ठीक है ना, एसेंशियल मेटल्स इन्वॉल्व इन अदर एंजाइमेटिक रिएक्शन फॉर्म कर लेती हैं EDTA कॉम्प्लेक्स, और वो भी साथ में क्या हो जाती है एक्सक्रीट हो जाती हैं। और हायर कंसंट्रेशन में क्या होता है, कॉपर हाईली टॉक्सिक होता है इनवर्टिब्रेट्स के लिए और मॉडरेटली टॉक्सिक होता है अदर मैमल्स के लिए, ओके। तो यहाँ पे टू अदर मैमल्स ऑल्सो, समझ में आया बच्चों इतना। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।